हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रोहित। आज 6 जून, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना काफ़ी इजी है। टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। डेली 30-40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज स्टार्टेड ए मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। यानी कि अब आपको अपना करंट अकाउंट खुलवाना होगा तो आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पेपरलेस होगी। तो ये फैसिलिटी स्टार्ट करने वाला पहला बैंक बना। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इंदसंत बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड यू नो, इससे पहले अगर आपको अकाउंट खुलवाना हो तो देख काफ़ी लंबा सा प्रोसेस होता है, फॉर्म फिल करना, 10 जगह अपने साइन करने। सो दिस इज द फैसिलिटी एंड डिजिटली सारी चीज़ें की जा रही हैं। नाउ दिस फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंदसंत बैंक, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसके MD एंड CEO का नाम आपको याद होना चाहिए, सुमंत कथवालिया, काफ़ी बारी रिवाइज करवाया है। एंड टैगलाइन ऑफ दिस बैंक इज़, वी मेक यू फील रिचर। यू नो, रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक, लाइक इसके MD एंड CEO उदय कोटक, रिसेंटली KYC बेस्ड फैसिलिटी स्टार्ट की थी। यानी कि वीडियो की हेल्प से भी कस्टमर की हेल्प की जा रही है, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी तो वीडियो कॉल करके भी हेल्प की जा सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टार्ट किया था। कैनरा बैंक ने रिसेंटली स्पेशल गोल्ड लोन स्टार्ट किया था, वो आपको याद रखना है। ICICI बैंक ने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप सर्विस स्टार्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंदसंत बैंक। नेक्स्ट करते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस अ कैंपेन स्पंदन फॉर पुलिस। तो स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की गई फॉर द पुलिस ऑफिशियल्स। सो दिस इज अ योजना, दिस इज अ कैंपेन, स्पंदन हैज बीन स्टार्टेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। एंड यू नो, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू चेक द मेंटल स्ट्रेस एंड द डिप्रेशन अमंग द पर्सनल बाय कंडक्टिंग इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स एंड अरेंजिंग काउंसलिंग सेशंस, म्यूजिक एंड योगा थेरेपीज। यू नो, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई बार डिप्रेशन में जाके कोई गलत स्टेप भी उठा लेते हैं पुलिस वाले, होता ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी रहती है। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव कि उनके लिए इंटरेक्टिव प्रोग्राम सेशन किए जाएँ, मोटिवेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ अंडर दिस कैंपेन स्पंदन। आपको ये याद रखना है, ओके। एंड दिस इज अ इनिशिएटिव बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो इसमें बेसिक डिटेल्स तो आपको पता होनी चाहिए। फाउंडेशन डे 1 नवंबर 2000 में हुआ था। एंड यू नो, अजीत जोगी फर्स्ट CM ऑफ छत्तीसगढ़, अभी रिसेंटली उनका निधन हुआ था। सी गार्ड पोर्टल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। मनरेगा के में जॉब प्रोवाइड करने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। तो ये सारे डिटेल्स याद रखने, नेशनल पार्क्स भी अपने याद रखने। CM भूपेश बघेल एंड गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इज अनुसुईया UK, ये आपको याद रखना है, ओके। वेल, नेक्स्ट करते हैं। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी स्पेशल ई-बुक आपके साथ शेयर की जा रही है, जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन जस्ट ओनली ₹69, दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020 तक। यानी कि लास्ट 6 मंथ के 2000+ क्वेश्चंस आपको इस स्पेशल ई-बुक में मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली ₹69। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके इसे परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। एंड यू नो, आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना काफ़ी जी, अक्सर स्टूडेंट फिर भी पूछते हैं सर ज्वाइन कैसे करना है। टेलीग्राम पे जाना है एंड सर्च करना है नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। एंड इस स्पेशल PDF को जरूर परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं एंड हमें सपोर्ट भी जरूर करें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजीव तोपनो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, ये आपको याद रखना है। लाइक ही इज ऑल्सो सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइवेट सेक्रेटरी सिंस 2014। ही इज 1996 बैच IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात। तो ये याद रख लीजिएगा। एंड यू नो, रिसेंटली कारमेन रेनहर्ट, उन्हें वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेजिडेंट बनाया गया। शी वॉज फ्रॉम क्यूबा, वो आपको याद रखना है। एंड इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। एंड ब्रजेंद्र नवनीत का नाम भी आपको याद रखना है। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने, राजीव तोपनो एंड ब्रजेंद्र नवनीत। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसके डायरेक्टर जनरल ने रोबर्टो एज्वेडो। ओके, यस आई नो कि इन्होंने लाइक अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया, बट वो अगस्त से गेम इन टू फैक्ट आएगा। ओके, प्रेजेंटली ये सर्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशांक एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जॉइंटली लॉन्च ए स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया ट्यूलिप। इसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। मिनिस्टर को नहीं, आपको बताना है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। एग्जैक्टली, हरदीप सिंह पुरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड बेसिक दिस इज द ऑब्जेक्टिव डेट वॉज डेवलप्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विच एम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू द थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियर ऑफ अवर कंट्री अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ओके, बाकी रमेश पोखरियाल एचआरडी मिनिस्टर हैं, रविशंकर प्रसाद मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वाज होस्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको रिप्रेजेंट किया एंड यूके ने होस्ट किया। आपको याद रखना है, इन दिस समिट अराउंड 15 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड ड्यूरिंग दिस समिट इंडिया हैज अनाउंसड टू कंट्रीब्यूट $15 million टू GAVI, डेट इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस का कि वैक्सीन से तो राइट नाउ यू नो कि पूरे देश पूरे वर्ल्ड किस चीज़ पे वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली COVID-19। सो दिस वाज द समिट विच वाज होस्टेड बाय द कंट्री यूके। ओके, याद रखिएगा। एंड यूके से याद आ रहे, रिसेंटली यूके के लिए नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट की गई गायत्री आई कुमार, वो आपको याद रखना है। एंड रुचि घनश्याम को उन्होंने रिप्लेस किया। CEO ऑफ लाइक ए ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है डॉक्टर सेथ ब्रेकले। ओके, तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। एंड 15 million का कंट्रीब्यूशन देगा हमारा इंडिया। नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन लॉन्चेस सॉफ्ट POS, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप कार्ड स्वाइप करते हो अपना, तो आप कई शॉप्स पे वो फैसिलिटी होती है अवेलेबल, कई बारी जगह आपको कैश देना पड़ता है। सो दिस इज द इनिशिएटिव एंड जो एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन ने मिलकर बनाया सॉफ्ट POS। सॉफ्ट POS की हेल्प से क्या होगा, जो हमारे छोटे किराने हैं, किराने की शॉप होती है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो वो मोबाइल से भी इसको मोबाइल को सॉफ्ट POS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी हेल्प से मोबाइल को ही भी POS से बना सकते हो एंड आप अपना जो भी आपको ट्रांसफर करना है, जो भी अमाउंट है, तो वो आप इस फैसिलिटी से दे सकते हो। उनको अलग से इस तरीके की मशीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मशीन का भी अलग से खर्चा होता है, बैंक चार्जेस होते हैं। नाउ विद द फैसिलिटी ऑफ सॉफ्ट POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने स्मार्टफोन से ही कस्टमर से पैसा ले पाए डिजिटली। दिस इज द इनिशिएटिव। ओके, एक्सिस बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चौधरी, मास्टर कार्ड के जो CEO हैं वो हैं अजय बांगा, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट इज बासु चैटर्जी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया 90 ईयर्स की एज में। मुंबई में वर्कड इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा एंड वॉज अ डायलॉग राइटर एंड प्रोड्यूस्ड ए फ्यू फिल्म्स, लाइक ही रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर इन 1992 फॉर हिज फिल्म दुर्गा। ओके, एंड इसके साथ साथ रिनोड लिरिक्स अनवर सागर, इनका भी निधन हो गया, फेमस फॉर वादा रहा सनम, एंड इसके साथ साथ ही आल्सो वर्कड इन द विजय पथ, सलामी एंड काफ़ी और मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया था। ओके, तो दोनों के नाम आपने याद रखने हैं, बासु चैटर्जी, एंड ये ब्लैक एंड वाइट वाली पिक्चर बासु चैटर्जी की है एंड अनवर सागर की पिक्चर है दिस वन द कलर वन। ओके, तो याद रख लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरेटरी लॉन्चेस सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन वर्जन फर्स्ट। सैलरी ट्रैक कर सकते हैं हमारे गवर्नमेंट इंप्लॉयज ऑफ यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस इज द इनिशिएटिव, दिस इज द ऐप लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ विच पोर्ट ट्रस्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये काफ़ी टाइम पहले आपने इस पर चर्चा चल रही थी, बट फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया, द पोर्ट इज कोलकाता पोर्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, आप फाउंडर ऑफ BJP भी बोल सकते हो उन्हें, एंड इनके रिलेटेड आपको जम्मू एंड कश्मीर का चनैनी नाशरी टनल इनके नाम पे रखा गया है, ये आपको याद रखना है। एंड इसके साथ साथ हमारा अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड दिया गया था फॉर पॉलिटिक्स, कौन सी स्टेट के CM, आसाम के CM सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया था, वो पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट इज रिसेंटली विच यूनियन कैबिनेट, लाइक रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. तो कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन हुआ एनवायरनमेंट के मामले में इन फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट? द कंट्री इज इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड भूटान. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. वेल, एनवायरनमेंट से मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कल हमने ऑब्जर्व किया एंड उसकी थीम के लिए रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्योंकि यू नो डिफरेंट सोर्सेज में आप देखोगे तो आपको लाइक डिफरेंट मिलेंगे. लाइक जो हमने शेयर किया था वो हमने किया था लाइक टाइम फॉर नेचर एंड कई जगह आपने देखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी. तो वेल आप देखो तो मेरी मानो तो सारे याद रख लो क्योंकि अब डिफरेंट सोर्सेज पे आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट मिलेंगी. जो मैंने शेयर किया था टाइम फॉर नेचर, कई जगह आपको सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी होगा, कई जगह इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा. तो आप वेल तीनों याद रख लो, लाइक कुछ भी पूछा जा सकता. वेल आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का क्वेश्चन आ भी सकता है जहाँ पे कन्फ्यूजन एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बट स्टिल आप तीनों याद रख लो एंड के मे भी तीनों में से कोई आ जाए तो आप टिक कर लीजिएगा. ओके, बाकी भूटान इसका करेक्ट आंसर. लोटे शेयरिंग प्राइम मिनिस्टर है एंड कैपिटल इज थिम्पू एंड करेंसी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भूटान की. एंड यू नो माकदेनचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है भूटान का. एंड यू नो इसमें अराउंड जो इसका पेमेंट जिसमें पैसे लगे थे अराउंड 70% इंडिया ने इसमें मदद की है भूटान की. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माकदेनचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. कौन सी रिवर पे है ये? माकदेनचू रिवर में है ये भूटान में. तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, विद द कैपेसिटी ऑफ 720 मेगावाट. सो भूटान इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड लाइक सुमेरो पैक्स बनाया गया. एक पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम है. मदद क्या करेगा? दिस डिवाइस विल पंप्स द आउटसाइड एयर इन थ्रू ए फिल्टर एंड थ्रू द फ्रंट फेस ओपनिंग ऑफ दिस डिवाइस. लाइक जो हमारे लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो PPE किट पहनते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है. लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक हीट रहती है उसमें, काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन रहती है. सो ये डिवाइस मदद करेगा, लाइक प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर रहेगा ताकि उनको ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे तक वो पहन के सकते हैं उसको, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, सो दिस इज द लाइक पैक्स, सुमेरो पैक्स एंड ये बनाया गया DRDO द्वारा. तो आप याद रख लीजिएगा. एंड यू नो अल्ट्रा सर्च भी रिसेंटली DRDO द्वारा बनाया गया. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप याद तो रखने ही है. एंड ये कुछ रहते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, करंट न्यूज़, तो सारे इंक्लूड करने, तो आप याद रख लीजिएगा सुमेरो पैक्स डेवलप्ड बाय DRDO. DRDO के बारे में बेसिक डिटेल्स, जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है. एस्टैब्लिशमेंट 1 जून 1958 में, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में. एंड मोटो याद रख लेना, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस. सो डेट्स ऑल. नाउ अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद नॉट कुछ क्वेश्चंस हैं, दिस इज द वन क्वेश्चन एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे. ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू UK, ये बताना आपने मुझे. एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी देखो जितने ऑप्शंस हैं ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, कोशिश करो कमेंट करो, रिवाइज हो जाएगा. लिखोगे तो भूलोगे नहीं, अगर खुद से करोगे तो मैं भी भूल जाऊँ तो लिख लेना बेटर रहेगा. नाउ आज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू एम्बेसडर हैं, ठीक है. तो ये आपने 7 कंट्रीज़ के बताने हैं. चाइना का बताना है, जापान का, USA का, श्रीलंका का, फ्रांस का, UN का बताना है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए एंड मालदीव्स के बताने हैं. तो ये 7 क्वेश्चंस आपके लिए एंड कोशिश करो खुद बताने की, जितने आते हैं पहले खुद बताने की कोशिश करो, नहीं आते तो बाद में चेक कर लेना, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई बाई योर सेल्फ ताकि आपको पता चले कि आपको पहले से कितने आते हैं. ओके, नाउ द आंसर्स. सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए एंड आप लोग जितना सपोर्ट करते हो, जितने वीडियोस को लाइक शेयर कर रहे हो, तो वही एक हमारे लिए मोटिवेशन रहता है. यू नो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है. अगेन लाइक आई एम नॉट अगेयर लाइक शेयरिंग फॉर दिस सिंपथी बिकॉज 2G चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है. यू नो 2G में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एंड बट स्टिल वी आर डूइंग ओनली फॉर यू. बट इन रिटर्न आई वी जस्ट वॉन्ट कि आप लोग हमें सपोर्ट करें. तो सपोर्ट कीजिए, इसे शेयर कीजिए. वेल यूट्यूब तो हमारे चैनल को रिकमेंडेशन में आई डोंट थिंक सो कि डाल रहा है एंड लाइक बस आपको करना है, आप लोग हमें मदद कर सकते हो. एंड टेलीग्राम, अगेन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. एंड रिविज़न एंड GS सेक्शन, करेंट सेक्शन एंड GS सेक्शन कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवाई जा रही. नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करो एंड ज्वाइन करो एंड बेनिफिट उठाओ. Thank you. Best of luck.